नमस्ते दोस्तों, काले लंबे घने और चमकदार बालों के लिए ट्राई करें मुल्तानी मिट्टी से बने ये हेयर मास्क। बालों का झड़ना, फ्रिजी, रफ, असमय सफेद होना और दो मुहे होना मानो आम समस्या हो गई है। हर दूसरा व्यक्ति यही शिकायत करते मिलता है कि उसे बालों की कोई न कोई समस्या जरूर है, किसी को गंजे होने से तो किसी को बालों के रफ होने से दिक्कत है, वहीं कोई डैंड्रफ की समस्या से परेशान है तो कोई बालों के झड़ने से। बालों का झड़ना, फ्रिजी, रफ, असमय सफेद होना और दो मुहे होना मानो आम समस्या हो गई है। हर दूसरा व्यक्ति यही शिकायत करते मिलता है कि उसे बालों की कोई न कोई समस्या जरूर है, किसी को गंजे होने से तो किसी को बालों के रफ होने से दिक्कत है, वहीं कोई डैंड्रफ की समस्या से परेशान है तो कोई बालों के झड़ने से। इसकी वजह न केवल अनहेल्दी लाइफस्टाइल है बल्कि प्रदूषण भी है, जो बालों को डल फ्रिजी बनाता है जिससे ये झड़ते हैं। इसके साथ ही हमारा खानपान भी कम जिम्मेदार नहीं है। अनहेल्दी डाइट भी बालों को खराब करती है, क्योंकि हमारे बालों को असल मजबूती तो हमारी हेल्दी डाइट से ही मिलती है। तो आइए जानते हैं मुल्तानी मिट्टी से बनने वाले कुछ हेयर मास्क के बारे में। मुल्तानी मिट्टी पाकिस्तान के मुल्तान शहर से आई है और आज भी आती है। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में ही किया जाता है, फिर चाहे आपका चेहरा हो या बाल, ये दोनों को ही संपूर्ण पोषण देकर ग्लोइंग और चमकदार बनाता है। मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा जेल हेयर मास्क। ये हेयर मास्क बालों के स्कैल्प के अंदर तक जाता है और उन्हें पोषण देता है। दो बड़े चम्मच एलोवेरा जेल में एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी को अच्छे से मिक्स करें और फिर इसे अपने बालों और स्कैल्प पर अच्छे से लगाएं। एक घंटे बाद इसे नॉर्मल पानी से धो लें। मुल्तानी मिट्टी बालों का अच्छे से कंडीशनर करती है और साथ ही डैंड्रफ से मुक्ति दिलाती है। इसकी वजह न केवल अनहेल्दी लाइफस्टाइल है बल्कि प्रदूषण भी है, जो बालों को डल फ्रिजी बनाता है जिससे ये झड़ते हैं। इसके साथ ही हमारा खानपान भी कम जिम्मेदार नहीं है। अनहेल्दी डाइट भी बालों को खराब करती है, क्योंकि हमारे बालों को असल मजबूती तो हमारी हेल्दी डाइट से ही मिलती है।